नमस्कार दोस्तों, तो शुद्ध देसी किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी सिंगदाना आलू कैसे बनते हैं वो आपको रेसिपी दिखाएंगे। तो पहले तो मेथी को अच्छे से पत्ते डंटी के साथ थोड़ा लौजा जो डंटी होता है उसके साथ से तोड़ लेंगे और अच्छे से 3 से 4 पानी से हम धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको थोड़ा सा मोटा टाइप बारीक काट लेंगे, जितना काट सकते हैं अपन, क्योंकि काट लेंगे तो फटाफट जो बनने का है। अब अखा भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। काटने से ही होगा कि जल्दी आपको सीज जाएगा बॉईल होने के लिए। अब ये कटा हुआ जो है, इधर देखिए कढ़ाई है, इसमें हम डाल देंगे। काट काट के इसमें हम डाल देंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम 10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। देखिए सब जो काट के इसमें हम बारीक काट के डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, इसी से हम मिक्स कर लेंगे हल्का। अब इसको मीडियम आंच में हम करके ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये सिंगदाना है 25 ग्राम के आसपास, हम इसमें सिंगदाना डाल देंगे और इसको दुखरा टाइप का जो है हम पीस लेंगे। तो देखिए दूसरा टाइप का हो गया है। अब इसको हम जब रेसिपी जब बनेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। तो देखिए पानी दोस्तों इसका साग का जो है सूख गया है। अब इसमें जो है थोड़ा सा इसी टाइप का मिक्स कर देंगे, साग को मत लेंगे, सीज गया कि नहीं सीज गया मालूम पड़ जाएगा। देखिए स्मैश हो रहा है, मतलब साग को जो पक के रेडी है। अब इसको साग को फ्लेवर टेस्ट देने के लिए हम इसको आलू पूरा डीप फ्राई करेंगे और फिर इसको तड़का देंगे। तो मेथी सिंगदाना आलू कैसे बनते हैं वो आपको हम रेसिपी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो मेथी का सीजन है, ठंडी का मौसम है और वैसे भी मेथी खाना चाहिए, मेथी बहुत फायदेमंद चीज़ है। एक चम्मच के ऊपर भरा 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो सरसों के तेल में इसलिए तड़का लगाते हैं कि साग का जो टेस्ट है अच्छा आता है। अच्छे से तेल गर्म होगा तो हम इसको आलू को डीप फ्राई कर लेंगे इसी तेल में। इसे रोस्ट हो गया है, अब इसको आलू को हम एक प्लेट में निकाल लीजिए। छोटा टीस्पून राई, 5 से 6 लहसुन का पीस है, उसको आधा आधा चाकू से काट दिए और उसमें हम डाल देंगे। बारीक से काटे तो फ्लेवर बनाना ऐसे अच्छा आते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 8-10 पीस सिंगदाना अखा, 1 हरा कांदा बारीक कटा हुआ, 1/2 हरी मिर्च तो हम इसमें साग और आलू डालेंगे। देखिए हल्का ब्राउनिस हो गया है कांदा, तो अब जो है इसमें हम 1/2 चम्मच से ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साग में हम नमक डाले थे तो उसी अनुसार से हम थोड़ा सा नमक। सिंगदाना जो बारीक किए थे दुकरा टाइप वो हम डाल देंगे। फिर आलू डीप फ्राई किया हुआ, मेथी का साग जो बना के रखे थे, अच्छे से मिक्स कर दिए। तो अब इसको जो है आलू को अच्छे मसाला मिक्स होने के लिए इसको हम 5 मिनट ढक के रख देंगे। अब जो है हल्का सा 1/2 नींबू का जूस रस जो है हम मिक्स कर देंगे, तो मिला के
बहुत अलग रेसिपी है दोस्तों और बहुत स्वादिष्ट है, ये ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिए। देसी किचन देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह से देसी किचन को आप देखने से पब्लिकों को हमारे व्यूअर्स को अच्छे से फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख सकें। थैंक यू वेरी मच।